लायंस क्लब इंटरनेशनल का एक आज जो है सूरत में लायंस क्लब जो है सूरत के अंदर इंसुलेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया है। हमारे साथ जो है प्रेसिडेंट जो है आलोक रावल सर यहां पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम है। आलोक सर, सबसे पहले आपको पब्लिक लाइफ में स्वागत है। किस तरह का प्रोग्राम जो है लायंस क्लब द्वारा किया गया है, जो सेरेमनी है उसको लेकर? ये एक इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, हमारा नया क्लब आज लॉन्च हुआ है। और लायंस क्लब जैसे दुनिया पूरी दुनिया जानती है और 210 देशों में लायंस क्लब की उपस्थिति ऑलरेडी है। और हमारा इस सूरत रीजन के अंदर सेंटेनियल क्लब है, मतलब 100वां क्लब इस डिस्ट्रिक्ट का है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इस क्लब का प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया है। और हम उस उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे कि हम समाज की सेवा कर सकें। जितने लोग हैं, गरीब हैं या नीडफुल लोग हैं, उन लोग की हम लोग सेवा कर सकें। उनको जो भी ज़रूरत हो, दाना पानी है, पढ़ाई है, एजुकेशन और भी घर में रहने लायक जो सुविधाएं होती हैं, तो उसको हम लोग पूरी कर सकें और भी ज़्यादा हम समाज की सेवा कर सकें, उसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ेंगे। और उसी उद्देश्य से ये पूरा क्लब बना हुआ है। हम लोग सारे लोग जुड़े हुए हैं, फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं वो सारे बहुत अच्छे से, सबका बॉन्डिंग है और हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारी। अभी उसके अंदर मैंने बहुत गरीबों को रास्ते में देखा हुआ है कि जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, और कई बार मैं उनको खाना देता था कि भाई इंसान कभी भूखा नहीं होना चाहिए, इंसान कभी भूखा सोना नहीं चाहिए। एटलीस्ट उसको हमारी ह्यूमैनिटी इतनी होनी चाहिए, हमारी आत्मीयता इतनी होनी चाहिए कि भाई उसको कम से कम जो नीडफुल है, जिसको खाने को नहीं मिलता, उसको हम लोग कम से कम खाना तो खिला सके। ये हमारी ह्यूमैनिटी है, उसी के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। तो बस ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई ऐसा क्लब हमारा एक होना चाहिए कि जिस उद्देश्य से हम जो गरीब हैं, जो नीडफुल लोग हैं, उनको हम उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकें और समाज में हम कुछ अच्छा काम करें, उस उद्देश्य से हमने ये क्लब ओपन किया है। हम वृद्धाश्रम में अब बहुत जल्द जाने वाले हैं। एक वृद्धाश्रम हमने देखा हुआ है और वहाँ पे जो मेडिसिन्स हैं, जो वृद्धों को मेडिसिन्स भी नहीं मिलती हैं, वो मेडिसिन्स भी हम उनको प्रोवाइड करना चाहेंगे। और कुछ हद तक जो कपड़े हैं, उनको कपड़े भी हम दान देना चाहेंगे। और उनकी कुछ ज़रूरतें जो होंगी वो हम हमारे कंट्रोल में जितना होगा उससे हम पूरी करना चाहेंगे उनकी ज़रूरतें। और ये रहेगा आगे जाके हम एजुकेशन में ये करने वाले हैं कि भाई जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं और पैसों की वजह से वो पीछे रह रहे हैं, उन लोग को हम ऐसा पढ़ाना चाहते हैं कि भाई पैसों की वजह से वो कम पीछे ना रहेगा, उनका टैलेंट आगे बढ़े, वो टैलेंट का डेमोंस्ट्रेशन दे और हम उनको समाज के अंदर और एक पोजीशन दे सकें, आगे लेके जाएं। और बस ये उद्देश्य से हम आगे बढ़ें। समाज को नई दिशा और शिक्षा से लेकर उन तमाम लोगों को जो समाज के अंदर आज की युवा पीढ़ी हैं, समाज के लिए एक नए पहल की शुरुआत करने के लिए लायंस क्लब द्वारा आज एक सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर प्रेसिडेंट के तौर पर आलोक रावल ने उनको प्रेसिडेंट चुना गया है। उनके आने वाले समय में कई ऐसे वृद्धा आश्रम हैं, कई ऐसे शिक्षा क्षेत्र हैं जहां पर उन्होंने अपना योगदान देंगे। आने वाले भविष्य में नए युवाओं को किस तरह से प्रेरणा मिले उसके लिए जो है क्लब्स जो है लायंस क्लब जो है वो काम करेगा। सूरत से कैमरामैन, मेरा नाम डॉक्टर रुचि मेहता है।
मैं लायंस क्लब के साथ इस बार जुड़ी हूँ और मेरे को सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया है यहाँ पे। और हमारा ये जो सूरत सॉलिटेयर्स का ग्रुप है, जो क्लब बना है नया, ये 100वां क्लब है अपने सूरत डिस्ट्रिक्ट का, और इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लब भी है। और हम लोग काफ़ी लोगों का अच्छा करने का और बेसिकली पूरे समाज को इससे ऊपर लाने का जो है वो एक मंशा लेके निकले हैं इसमें। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जैसे G20 समिट में किया कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे उपनिषदों ने दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरा जो विश्व है वो पूरा ही विश्व हमारा परिवार है। तो इसका हम पे क्या इम्पैक्ट आता है? इम्पैक्ट ये आता है कि हर इंसान की थोड़ी थोड़ी खुशी हमें भी खुशी देती है, और हर इंसान का थोड़ा थोड़ा दुख हमें भी कहीं ना कहीं दुखी करता है। तो इस क्लब से हमारा उद्देश्य है कि हमारी खुशी जो है वो हम दूसरे लोगों के साथ बांट सकें, और दूसरों का जो दुख है वो हम थोड़ा थोड़ा कम कर सकें, ताकि पूरे विश्व में हर जगह ये दुख थोड़ा थोड़ा कम हो जाए और सारा का सारा विश्व ही एक अच्छा हैप्पी प्लेस बन जाए हर इंसान के लिए। क्योंकि हर इंसान खुश रहेगा तो उसकी वजह से हर दूसरा इंसान भी खुश रहेगा। ये हमारी जो है संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का सबसे मूल चीज़ है, जो आज प्रधानमंत्री जी ने G20 में भी जिसका महत्व दिया है, और हम भी इसी चीज़ को लेके बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि दो चीज़ों जो रहती है आप कर सकते हो, कि एक तो कि आप किसी को एक दिन रोटी खिला सकते हैं या उसको रोटी कमाना सिखा सकते हैं। तो एक दिन अगर आप रोटी खिलाएंगे तो उसकी भूख आप एक ही दिन शांत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको रोटी बनाना सिखा दें तो उसका पेट और उसके परिवार का पेट हमेशा हमेशा के लिए भरने की उसमें सक्षमता दे सकते हैं। तो हमारा मिशन ये है कि हम उसको रोटी खिलाएं भी, पर साथ साथ में रोटी बनाना भी सिखाएं, ताकि उसको उस अभी की भूख भी उसकी शांत हो, लेकिन पूरे ज़िंदगी भर के लिए उसकी और उसके परिवार का भी जो है भूख हमेशा के लिए शांत रहे। जी हाँ जी जी हाँ हम एक तो अभी जैसे बारिश का मौसम है, काफ़ी लोगों को हम लोग ऑलरेडी कल छतरियाँ वगैरह देके आ चुके हैं, हमने कुछ रेनकोट्स भी दिए हैं। उन लोगों की झोपड़ी में पानी आता है जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ रहती है, तो हम ताड़पत्रियाँ देके आए हैं। तो ये एक एक्टिविटी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके अलावा अब हमारे जो अगले वीक है, हमको अभी एक रिक्वायरमेंट पता चली है कि डांग के पास में एक जगह है जहाँ कुछ मंदबुद्धि बच्चे वो लोगों ने रखे हैं, और वो एरिया ऐसा है जहाँ लोगों का रीच नहीं है, लोग जानते नहीं है, इसलिए उनको हेल्प नहीं मिलती है। तो हम अगले महीने, हमारा प्लान है कि उनको खाने की ज़रूरत है तो हम उनको राशन दे के आए, तो एक ये है। और दूसरा हमारा एक सोच ये भी है कि हम कम से कम दो व्यक्तियों को इस तरह से अडॉप्ट करें कि उसको पूरी तरह से आत्मनिर्भर कर दें, ताकि उसका हमेशा हमेशा के लिए जीवन निर्वाह सही तरीके से चल सके।